YouTube पार्टनर प्रोग्राम या YPP क्रिएटर्स को YouTube के संसाधनों और सुविधाओं का ज्यादा एक्सेस देता है। अगर आप अपने चैनल से कमाई करना चाहते हैं, तो आपको YPP में शामिल होने के लिए अनुरोध करना होगा और उसकी अनुमति लेनी होगी। YPP में शामिल होने का अनुरोध करने के लिए आपके पास इनका होना जरूरी है। YouTube पर आपका चैनल अच्छी स्थिति में होना चाहिए। चैनल के कम से कम 1000 सदस्य होने चाहिए और आपके वीडियो को पिछले 12 महीनों में 4000 घंटों से ज्यादा देखा गया होना चाहिए। हमने ये सीमाएं तय की है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स अच्छे नागरिक के रूप में नजर आएं। साथ ही इन शर्तों से ये पक्का होता है कि आपके चैनल की समीक्षा करने के लिए हमारी टीम के पास जरूरी जानकारी उपलब्ध है। आप YouTube स्टूडियो में कमाई करने की जानकारी देने वाले पेज पर जाकर ये देख सकते हैं कि आप इन शर्तों को पूरा करने के कितने करीब हैं। आवेदन करने के लिए योग्य होने के बाद आप ईमेल से इसकी सूचना पाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। जब आपका चैनल इन शर्तों को पूरा कर लेगा, तब आपको पार्टनर कार्यक्रम की शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा और गूगल एडसेंस खाते के लिए साइन अप करना होगा। इन सभी चरणों के पूरा हो जाने के बाद हमारी नीतियों के मुताबिक आपके चैनल की समीक्षा की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहता है, तो आप विज्ञापनों से और आपके वीडियो देखने वाले YouTube प्रीमियम के सदस्यों से कमाई करना शुरू कर सकते हैं। आप चैनल की सदस्यता सुपर चैट जैसे दूसरे तरीकों से भी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद के उत्पाद बेचकर भी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पक्का करना होगा कि आप इनसे जुड़ी शर्तें पूरी करते हैं और इनकी सुविधा आपके इलाके में मौजूद है। चलिए अब आम तौर पर पूछे जाने वाले कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल, मेरे चैनल की समीक्षा होने में कितना समय लगेगा? अगर आपको लगता है कि आपका चैनल YPP की शर्तों को पूरा करता है, लेकिन अभी तक उसकी समीक्षा नहीं की गई है, तो हम आम तौर पर समीक्षा से जुड़ी शर्तें पूरी करने के करीब 1 महीने बाद आपको इस बारे में बताएंगे। याद रखें कि आप YouTube स्टूडियो में कमाई करने की जानकारी देने वाले पेज पर जाकर अपनी स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। दूसरा सवाल, मेरे चैनल को मंजूरी क्यों नहीं मिली? अगर आपके चैनल को YPP में शामिल होने की मंजूरी नहीं मिली है, तो हो सकता है कि हमारे समीक्षकों ने पाया कि आपके चैनल का कुछ जरूरी हिस्सा YouTube पार्टनर कार्यक्रम और कम्युनिटी दिशा निर्देशों से जुड़ी नीतियों का पालन नहीं करता। आपके अनुरोध को स्वीकार न किए जाने की सबसे सामान्य वजह एडसेंस कार्यक्रम की नीतियों से जुड़ी होती है। खास तौर से दोबारा या बार बार इस्तेमाल हुए कंटेंट के मामले में, ये वीडियो बाकी वीडियो और चैनलों पर उपलब्ध वीडियो से काफी मिलता जुलता या बिल्कुल समान है। जब तक आप देखने के घंटे और चैनल के सदस्यों की संख्या से जुड़ी शर्तें पूरी करते रहेंगे, तब तक आप अगले 30 दिनों में फिर से आवेदन करने के योग्य रहेंगे। फिर से आवेदन करने से पहले हम आपको इन नीतियों के बारे में पढ़ने का सुझाव देते हैं। साथ ही ऐसे वीडियो में बदलाव करने या उन्हें मिटाने का भी सुझाव देते हैं जो इन नीतियों का उल्लंघन करते हैं। तीसरा सवाल, क्या मुझे हर साल इन शर्तों को पूरा करना होगा? नहीं, हालांकि आपको चैनल पर वीडियो अपलोड और कम्युनिटी पोस्ट करना जारी रखना होगा। अगर आप अपने चैनल पर 6 महीने से एक्टिव नहीं हैं और YPP की शर्तें पूरी नहीं करते, तो हम पार्टनर कार्यक्रम से आपका चैनल हटा सकते हैं। YouTube पार्टनर कार्यक्रम में आवेदन करने के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नीचे ब्योरे में दिए गए संसाधन देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।